लोगों को मजाक कराओ, जीना मत सिखाओ। हेलो, हैं शमा। वालेकुम अस्सलाम। तुमको भी बाबू बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक ही है, इन सबको क्या होगा? ये लोग जैसा हमसे सलूक करे हैं ना, अब काय का बतावे। हाँ हाँ, हम भी यही सोच रहे थे कि मकान उकान बेच के अपने फवदवा के पास लंदन चले जावे। सड़क पर है हमरी बला से कोई ठोकर लिया है हमने। अरे हम कोई डरे हैं, सुने तो सुने। चलो बाबू, बाद में बात करें हैं। जाए इन दोनों चंडालियों को मिठाई ठुसा के आए। अल्लाह हाफिज बाबू। कहाँ से आ रही है? क्या हो गया फूफो? ये रस्सी है, ये दुपट्टा इज्जत का बात है, ऐसे ओढ़ने में तुमको मौत आता है क्या? हमको भी पता है कि इज्जत का बात है, हमको क्यों बता रही हो? माँ ने तरबियत ही नहीं किया, इज्जत का बात बतावे तो पता चले ना। हेलो जी मकसूद। हाँ हाँ, वो तो जो भी हो, अब नौकरी वोकरी तो क्या ही मिलनी है, चरगा ही लेते आइएगा। और सुनिए, अपने खानदान में ढंढोरा पीटते मत आइएगा। शुक्रिया। ये देख, मेरी शादी पे सलमा क्या पेस्ट्री बन के आई हुई थी। अरे अम्मी, ये तो सबके सब कार्टून लग रहे हैं। आपको अपनी शादी की तस्वीरें देख के शर्मिंदगी नहीं होती? शर्मिंदगी? मैंने भाग के शादी की थी। अरे मेरा मतलब कि अब अपना मेकअप तो देखें, कितना गंदा लग रहा है। क्या मुफ्त में करवाया था? बेटा उस वक्त फैशन ही है था। अम्मा क्या खाक फैशन था? आईब्रोज तो देखें अपनी, बिल्कुल जकूटा जिन लग रही हैं। बकवास ना कर, तस्वीरें देखनी है तो देख, वरना रख दे मेरे एल्बम यहाँ पे। बच्ची है ये, देखो जरा आजकल की माओं को। अरे गुलराना पप्पू तो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, कोई चेंज नहीं आया उनके अंदर। जो डायने और चुड़ेले होती हैं ना, वक्त के साथ साथ उनकी शक्तियों में इजाफा होता है। और तुम्हारी पप्पू तो वो वाली डैन है जो हमारा खून चूस रही है। नाम लिया डैन कर आ गई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हो रहा है भाई? बस ऐसी शादी की तस्वीरें देख रहे थे। ये तीसरी बार है हम देख रहे हैं तुम माँ बेटी को, पुरानी एल्बम देख के यादें ताजा करने के अलावा कोई काम ही नहीं। वो क्या है ना पप्पो, अम्मी को जब भी याद आती है ना अब्बा की, तो हम इसी तरह एल्बम निकाल के बैठते हैं। अरे तो जब वो जिंदा था तब इस औरत ने कहा उसका कदर किया? क्या मतलब है अब्बा आपका इस बात से? अरे ये तो हेडलाइन सुनाए हैं, जो हमको छेड़ोगी ना तो पूरा खबरनामा नशर कर देंगे। कैसे हमारा भाई सदरू दफ्तर जाने के पहले पठान लोग का कोयटा होटल से चाय पराठा खा के जाता था, जबकि औरत घर में मौजूद था।
दस दफा बता चुकी हूँ कि उन्हें वहां का पराठा और चाय पसंद थी, वो घर पे नाश्ता अपनी मर्जी से नहीं करते थे। अरे तो वही तो उसकी मौत का सबब बना है। अब तेल घी में तर बतर पराठा, वो भी पठान का खाएंगे तो दिल का वाल बंद नहीं होगा। हो गया, बस करते हैं आपा। अब आपने एक और बात की ना तो मैं अपना रोना नहीं रोक सकूंगी। अब ये सब ड्रामा मत करो हमरे साथ, मिठाई खाओ। ये किस खुशी में आपा? साइमा का ट्विंस बच्चा हुआ है जुड़वा। हे, बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत। ठीक तो है वो? अमेरिका में सब बहुत अच्छी देखभाल करे हैं, अच्छी ही होंगी। हाँ ये तो है। अब फोन पे बात हो ना, मेरी तरफ से बहुत प्यार और मुबारकबाद देनी। याद रहेगा तो कहाँ देंगे भाई। चले उन संजीदा को देखे, उनको मिठाई ठूसा के आवे। जमीन का चीज है, इज्जत का चीज है। अरे बड़े अल्लाह, सारा आवा का आवा। फवाद का तो पूछती कि वो लंदन से कब आ रहे। दिमाग तेरा खराब है? इतनी चलाक औरत है, फौरन शक पड़ जाएगा उसे। चल मिठाई तो देखें क्या है। ये ले, चार लड्डू भेज दिए इतने बड़े डब्बे में। ये तो मैं भी नहीं खाती, दे दें किसी को। शाजिया ये लो, गुल्लू ने ग्लास में छोड़ दिया दम किया हुआ पानी, पी लो। भाई अम्मा मैं नहीं पी रही गुल्लू का दम किया हुआ पानी। अब क्या मैं दम किया हुआ पानी नाले में फेंकूंगी? खुद पी लो ना, बड़ा शौक है से दम करके पानी पिलाने का। बल्कि अम्मा एक काम करो, गुल्लू राना फूफो को इसी पानी में शरबत बनाकर पिला देना। भाई नाम ना लिया करो उनका, ऐसे हमारी मजबूरी ना होती, उनके घर पे ना पड़े होते तो कभी ऐसे गुलामी ना करते उनकी। पी ले और दुआ कर गुल्लू को अकल आए और तेरी फुप्पो को मौत। कहाँ संजीदा? आपा आइए ना, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमको सलाम अलाम करने का तमीज तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया है क्या? अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। साइमा के यहाँ हूँ अमरीका में, जुड़वा बच्चा हुआ, मिठाई खा लो। अच्छा, अरे बाबा ये तो बड़ी अच्छी खबर है आपा, मुबारक हो। ठीक है, ज्यादा लपटा झपटी की जरूरत नहीं, जैसे हम जाने ना है। अंदर दिल में हमको गंदा गंदा बात बोलती हो और ऊपर से आपा आपा आपा। नहीं नहीं आपा, अल्लाह ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है। मकसूदवा कहाँ है? वो गए हैं सुबह सवेरे जगह जगह की खाक छानने नौकरी के लिए। आप दुआ कीजिए। गुल्लू यही है आपा, मैं भेजती हूँ, आप चलिए। जा रहे हैं, भेज देना। जी जी। ये तो हमारा कारपेट है, अच्छा किया बिछा लिया, हमने तो फेंक ही दिया था। गुल्लू भेजो। हर चीज पहचान लेती है। गुल्लू अंदर जाके बैठ ही जाता है, कहाँ भी था पानी कम है। कर रहा हूँ ना। सुन पप्पू आई थी तेरी, बुला रही है, अपने कमरे में गई है, जा। अच्छा। और सुन, अगर तुमने अपने खानदान के राज उन्हें बताए थे। अल्लाह नहीं करूंगा ना, बोटिया तेरी चिड़कब्बों को खिला दूंगी। जा रहा हूँ। यार मैं तो चक्कर में हूँ, किस तरीके से अमेरिका का वीजा लग जाए, कोई लॉटरी वॉटरी निकल आया यार। ए गुल्लू चल बाद में बात करता हूँ। ओके चल। ए गुल्लू यहाँ कैसा है मेरा बच्चा, कहाँ था तू? ठीक हूँ पप्पो, बस मायूस हूँ थोड़ा। मायूस काहे मायूस? अपने घर वालों की वजह से, मेरे फ्यूचर का कोई ख्याल ही नहीं है। ये बात तो है कि तुम्हारा माँ बाप वाकई बेहिस है भाई, और ये तुम्हारी अम्मा संजीदा बेगम, इनको तो खाने चाटने के अलावा कोई काम ही नहीं है। वही तो। बोल ना, कोई नहीं बाबू बोलो। अब्बा की नौकरी है नहीं और हमारे घर हफ्ते में 4 दिन बाहर से खाना आता है। मायो 4 दिन? हाँ हाँ, आज भी चरखा ही खाएंगे। आज भी? लावेगा कौन?
अब्बा लाएंगे और कौन लाएगा, अम्मा ने कह दिया था अगर चरखा नहीं लेकर आओ तो घर में नहीं आना। बात देखो ना, हमारा भैया नौकरी के चक्कर में इधर उधर का ठोकर खाते फिर रहे हैं। ये तुम्हारी अम्मा संजीदा बेगम, इनका तो अयाशी ही खत्म नहीं हुआ। पुपो 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 का बाबू? कोई नहीं बाबू, कोई नहीं। आप बोलिए ना, बोलिए। बोल। अम्मा को मत बताइएगा, शामत आ जाएगी मेरी। हमारे ऊपर बिला इंटरेस्ट है ना, तो बाबू हमारे ऊपर बिला इंटरेस्ट रखिए, समझे ना। ये लो ना, ये लो, कुछ खा लेना बच्चा, ये लो रख लो। थैंक यू पप्पो, थैंक यू पप्पो पप्पो पप्पो। कहाँ? एक बात और। कोई नहीं बाबू, बोलो ना। वो शाजिया नहीं है? वो मटक रही। हाँ, मोहतरमा पिछले हफ्ते तारिक रोड गई थी, 7-8 सूट खरीद के लेकर आ गई है, ऐसी महंगे महंगे। लो भाई, कौन बोलेगा कि इनके अब्बा बेरोजगार हैं? ऐसा औरत तो जिंदगी में आने से बेहतर था इंसान रेल के नीचे आ जाता, मर जाता, पर इससे शादी ना होता। अरे वाह, अब तो खुश हो ना, ले आया तुम्हारे लिए चरगा। अरे भाई हुसैन आबाद का चरगा खाकर तो रूह तक बंदे की खुश हो जाती है। अम्मा, ये चरगा खाकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। शाजिया, बुरी बात, जवान लड़कियां खाने पीने के मामलात में इस तरह बातें करती अच्छी नहीं लगती। जाने दो ना, खाने पीने की शौकीन बच्चे है हमारे, ऐसे मत कहो। खा भाई बच्चे, खा। कोल्ड ड्रिंक नहीं लाया आप? पैसे ही कहाँ थे मेरे पास, ये भी उधार लेके लाया हूँ। उधार ले ही लिया था तो 100 रुपए और ले लेते, 80-85 की आती है लीटर की बोतल। अरे ठीक कह रही हूँ अम्मा, चरगे के साथ ना कोल्ड ड्रिंक मज़ा दुबाला हो जाता है। ले आते तो बच्चे जरा रगबत से खा लेते चरगा। अबे मैं तो कह रहा हूँ कोने वाली दुकान से भाग के पकड़ लें। तनख्वाह है नहीं, खाए पिए के कुछ है नहीं, बड़ा बड़का बड़का मुर्गा चबा रहे हैं। इतना बेगैरत लोग तो हम देखे ही नहीं। हमारा भाई बेचारा दर, उनका दिमाग दुरुस्त करते हैं। चुप रहो, आपा का फोन है। अस्सलाम वालेकुम आपा। खा लिए हो चरगा? वो आपा, वो ज्यादा खिलियाने का जरूरत नहीं है, सब पता है भाई हमको। मियां की आमदनी का कोई जरिया नहीं और इनकी अयाशी खत्म नहीं हो रही। सही कह रहे हैं सियाने, घर को बनाने और बिगाड़ने में औरत ही का हाथ हो गए है। अब वो 6 दिन से वही दाल अलग अलग अचारों और रोटियों के साथ खा रहे थे, तो बस मुंह का जायका बदलने के लिए। तो कहाँ गुनाह कर दिए हो? नहीं गुनाह तो नहीं है अब, बस मुंह का जायका बदलने को मंगा लिया चरगा। अल्लाह मयो, बातें सुनो, इस कम्पलेक्स की मारी हुई औरत की। संजीता बेगम जानो हो ना, तुम्हारा मियाँ पिछला 3 महीने से बेरोजगार है। सॉरी आपा। आई तो डूब मरने का मकाम है। सॉरी आपा। आपा को कैसे पता चला कि हमारे घर चरखा है? खुफिया कैमरे तो नहीं लगाए थे उन्होंने हमारे कमरे में? मुश्किल है आपकी बहन के पास, वरना अपने कमरे में ऊपर बैठे बैठे उन्हें कैसे पता चल जाता है हमारे कमरे में क्या हो रहा है? अम्मा कोई मौकल वोकल नहीं है, ताई अम्मी ने मुखबरी की होगी। हमें अच्छा खाता देख के सबसे पहले मरूर उन्हीं के पेट में उठती है। उन्हें कैसे पता चलेगा, मैं
तो बैग में छुपा के लाया था। अरे रहने दे, आपकी भावज की सूंघने की सलाहियत शिकारी कुत्तों से भी ज्यादा तेज है। अभी मैं खबर लेती हूँ सौरत की, मेरे तो हलक से चरगा उतरेगा नहीं जब तक मैं चैन मैं जरा उसको देख। किसी के घर में दाखिल होने के कुछ आदाब होते हैं, दरवाजा खटखटाने से मौत नहीं वाकया हो जाती। हाँ हाँ, आदाब तो नजर ही आ रहे हैं। बेटी ताथाई कर रही है, अम्मा तालियां पीट रही हैं। तुझे क्या तकलीफ है? खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में कोई ऐसी बात की। अरे भाई मुझे क्या, जो जी में आए करे। मैं तो बस ये कहने आई हूँ कि हमारी मुखबरियां करना बंद करें आप गुलापस है। इधर की उधर करने वालों का ठिकाना ना जहन्नम है। दिमाग तो नहीं तेरा खराब हो गया? कौन सी मैंने तेरी मुखबरी कर दी है? ओहो, इतनी भोली ना बने। इतनी भोली है नहीं आप और आपकी बेटी। हमारे घर आज चरगा आया है, ये खबर आपने पहुंचाई है ना गुलापा तक। और तुम आज चरगा खा रही हो, ये मुझे ख्वाब में आ गया और मैंने तुम्हारी खबर पहुंचा दी। लगता है दिमाग तेरा वाकई घास चरने चला गया। अरे चोर ने कभी माना है कि उसने चोरी की है? बोले जा रही है। कौन सी चोरी मैंने की है? भाभी, चुगलखोरी दुनिया और आखिरत दोनों में सबके लिए जिल्लत का सबब है। मेरी बनो, आराम से मेरे घर से चली जा, वरना खुदा की कसम मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी आई मुझे आखिरत के डरावे देने वाली। चची, हमें भी भिजवा दे थोड़ा सा चरगा। चची, हमें भी चरगा दे दे थोड़ा सा, चल बढ़ गई। क्यों नहीं मेरी जान, क्यों नहीं, अभी भिजवाती हूँ, ऊपर थोड़ा सा जहर डाल के। संजीदा, जरा हंसनी मोटी कहेंगी, निकलो मेरे घर से। चल निकल, बाहर बाहर दोनों। आई चल, अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है भाई। अरे गुलापा तो हमारे हलक की दरबान बन गई है भाई, अब हमारे खाने पीने पे पहरा लगाएंगी ये। आरफा भाभी ने क्या कहा? क्या कहेंगी, साफ मुकर गई साफ। सजिया, मुझे तो लगता है कि तुम बिला वजह उन पे शक कर रही हो। वो तो सामने थी भी नहीं जब मैं लेके आया था चरगा। तो गुलापा को कैसे पता चला? कहीं आप ही नहीं जाके तो अपनी बहन के सामने दुखड़े नहीं रोए? क्या बात कर रही हो, मुझे तो ये आप ही की हरकत लग रही है भाई। अरे नहीं नहीं संजीदा, खुदा पाक की कसम मैंने ये कुछ नहीं किया है भाई। मैं अपनी फैमिली के खिलाफ बात क्यों करूंगा? मुझे अपनी शाजिया को इनके फवाद के साथ फिट ना करना होता ना तो मैं कभी इस औरत का इतना लिहाज ना करती। अरे पता नहीं क्या क्या कह दिया मुझे। वैसे संजीदा, तुम्हें लगता है कि आपा शाजिया को पसंद करेंगी फवाद के लिए? करवाना पड़ेगा, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। फवाद जैसे लिखे पड़े साफ सुथरे लड़के मार्केट से नापैद हो गए हैं भाई। मैं तो अपनी शाजिया की फवाद से शादी कराने के लिए किसी हद तक भी जाऊंगी। ऐसे इतनी बकबक नहीं बर्दाश्त करती मैं आपकी बहन की। हाँ यार कर दूंगा ना वापस, तू दे दूंगा ना यार, तू बब करता हूँ। आने 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 आने, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही है? मार्केट जा रही हूँ सब्जी लेने, तुमसे तो कहो मौतें आने लग जाती है। एक मिनट ना, बड़ा हूँ तुमसे, बदतमीजी क्यों कर रही हो? बड़ा है, बड़ा हूँ तुमसे। एक मिनट, एक पाव गोश्त लेती आना, अम्मा ने तो सब्जी और दालें खिला खिला के ऐसी की तैसी कर दी यार। सब्जी और दाल चरगा किसने खाया था? हमें तो झूठे मुंह भी ना पूछा तुमने वैसे। एक मिनट, तुम लोगों से क्या मतलब है? एक बात कहूँ तुम्हें मैं? अच्छी बात की तवक्को तो है नहीं तुमसे, कह दो। तुम मोटे ही नहीं बल्कि एक नंबर के। एक नंबर के क्या, हट मेरा से। एक मिनट, जल्दी आना जरा, घर से बाहर रहने का बहाना चाहिए तुम्हें तो। तुम होते ही नहीं बल्कि गधे हो गधे। मैं बता रहा हूँ, अगर अम्मा ने धमकी ना दी होती ना कि वो मेरा जेब खर्च और डब्बू बंद कर देंगी तो तेरे पर्स में छिपकली के बजाय चर्च डालता और पुलिस को कंप्लेन कर देता। सड़ती रहती जेल में। सही पहचाना है मैंने तुम्हें, सब्जी खा खा के ना गधे जैसी शक्ल हो गई तुम्हारी। तू ना भाई, कुत्ता काटेगा तुझे, गटर में गिरेगी, मैं बता रहा हूं। घर में तुम मोटर से देखेगी, जल्दी आना। We'll be right back.
उसूल है लोगों को मजा कराओ, जीना मत सिखाओ। अरे पागल हो गई है, अभी तो अंडे पराठे का नाश्ता करके बैठी है, अब मिठाई ठूस रही है। अम्मा ये बहुत ही कोई आला नस्ल की मिठाई लाई है पुप्पो। छोड़ दे, इतना खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी बेटे। हैं, मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ। नहीं नहीं ठीक है माशाल्लाह, मगर वो आजकल के लड़के तुझे पता है ना, अरे लंदन से आ रहा है फवाद, कैसी कैसी लड़की नहीं देखी होगी उसने। अब तू भी कुछ होश के नाखून कर बेटे। अच्छा ना अम्मा, अभी खाने दो, कल से नहीं खाऊंगी, डाइटिंग करूंगी पक्का। हरगिज़ नहीं। अम्मा सुनो तो, अम्मा सुनो ना, इतनी आला नस्ल की मिठाई है। मैं तो दुआ करती हूँ कि सायमा बाजी के यहाँ हर महीने जुड़वा बच्चे पैदा हों और फूफो हमारे लिए मिठाई लाए। बिल्कुल ही खिसक गई है, हर महीने कैसे हो सकता है, मुर्गी है तेरी बहन। खबरदार जो उस मिठाई को हाथ लगाया, गिन के रख रही हूं। अभी बताओ तुम्हें नमक को, आ जरा हमको बताते हैं। अरफा क्या हो गया, क्या हो गया, अकल बेच खाई हो क्या, हुआ क्या है? पता भी है जमाना कितना खराब है, इस जवान जहान लड़की को हाँ बाजार अकेले भेज दिए हो। खुदा की कसम आपा, हमेशा मैं खुद ही जाती हूँ, आज मेरे गोडों में दर्द थी, मैं नहीं गई, और बताएं किसको भेजती। अच्छा माफ कर देना। छोड़ दीजिए, हमको टैच मत कीजिए। ये वहाँ लंगा सर दुकानदार से खूब हंसी मजाक हो रहा था। भई ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसी कौन सी बातें सुना रहा था वो तुझे कि तेरे ठट्ठे नहीं रुक रहे थे। क्या हो गया अम्मी, वो तो सिर्फ मुझे देख के इतना बोला कि आज मौसम कितना हसीन है, मैंने भी बोल दिया हाँ भाई बारिश की पेशन कोई होगी, फिर मुझे देख के गुनगुनाने लग गया, मेरी क्या गलती। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अब शरीफ घर का लड़की सब कुंजड़े कसाईयों के साथ मौसम पर गुफ्तगू करेंगे जाके, वाह। और वो भी बेहुदा अंदाज में, आप सही कह रही हैं। बिल्कुल छोड़ दीजिए, हमको टच मत कीजिए, ये सब तुम्हारा गलती है। मेरा क्या कसूर है, आपका भाई मुझे जवान जहान को एक बच्ची के साथ छोड़ के चला गया, अब बताएं क्या करूं। भाग कर तो नहीं गए ना भाई, उसका कजा आया था, जिंदगी का क्या भरोसा, चले गए। तो मैंने कब कहा है कि वो भाग गया था, मैं भी यही कह रही हूँ कि अकेली औरत क्या क्या करे। आपका अंदाज तो कहने का बिल्कुल असही है। पापा आपसे कोई बहस नहीं कर सकता। चुप रहे, ये अपने लौंडिया का हाथ पकड़ो, हमारा मुंह पे कालक मत करवा, हमको जान दो। तो तुम्हें शर्म नहीं आती, कितनी दफा समझाया उनके सामने सर पे दुपट्टा लिया करो, कभी तो मेरी इज्जत रख लिया करो तुम भी। अम्मा वो तो है ही फसाद। हाँ मुझे पता है, इसीलिए समझा रही हूँ। सांस लेने को मुझे कोई यहाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेफिक्री का जिंदगी तो मलाहिदा कीजिए इनका। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। हमको एक बात समझ नहीं आया, जितना ये सब बेरोजगार लोग हैं, ये अपना घर में बैठ के फिल्मी अखबार में कहाँ पढ़ा कर रहे हैं। नहीं नहीं आपा, हम तो अखबार में नौकरी तलाश कर रहे थे। इस अखबार में दिखाइए मैया, ये फिल्मी अखबार में कहाँ तलाश कर रहे थे बोलिए। नहीं नहीं आपा, फिल्मी सफर तो ऐसे ही देख लिया था, असल में अदाकारा नूर ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दिया है, अब तो माशाल्लाह हिजाब करने लगी हैं। उनकी इस रूहानी सफर की कहानी पढ़कर हमारा तो दिल भर आया है। ज्यादा बात घुमाने का जरूरत ना है, अपना अंदर से निकम्मापन खत्म कर दो, और जब तक कोई नौकरी ना मिल जावे ना, ये सब अयाशी ख्वाब खत्म करो। घर का सादा खाना तुम्हारी बीवी के हलक सतोत्र ना है, उनको चाहिए चौरगा टिक्का बोटी सब। नहीं नहीं आपा, वो तो बड़ी साबरा शाकरा किस्म की खातून है, उन्होंने अपने मुंह से कभी कोई फरमाइश नहीं की, वो तो खुद हमारा दिल चाहा था तो हम ले आए थे उनके लिए चरखा। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम। वो अब्बा मेरा एक दोस्त है,
उसके ना वालिद का एक्सीडेंट हो गया है, इलाज के पैसे नहीं है उसके पास, थोड़े से पैसे दे दें, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, मदद करूंगा मैं उसकी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है और तुम दोस्त के अब्बा के इलाज के लिए पैसे मांग रहे हो। आपका अपना याशी तो खत्म होता नहीं है, अब बच्चा अपने दोस्त के वालिद से आपकी हेल्प करना चाह रहा है तो आपको मौत पड़ रहा है। ये लीजिए, मदद करना बहुत जरूरी बात है, बहुत सवाब मिले हैं उनका, ये लीजिए मदद कीजिए जाके उनकी। ला पप्पू कितनी अच्छी हैं आप लोग, ऐसे उनके बुराइयां करते रहते हैं हर वक्त। हैं? क्या कह रहा है बेटा, हमने कब बुराई की? अच्छा ये कौन कह रहा था कि फुप्पू चुड़ैले? चुड़ैले चुड़ैले ऐसी होती हैं? नहीं ना, ये तो फरिश्ता सिफत औरत है, फरिश्ता है फरिश्ता। अरे क्यों झूठ बोले आपा, ये ऐसे ही कह रहा है अपनी तरफ से। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, और उस दिन जो अम्मा कह रही थी कि फुप्पो जो है वो हर वक्त ड्राइवर के साथ आवारा गर्दी करती रहती है, भाई मेरी फुप्पो की गाड़ी है, मेरी फुप्पो का ड्राइवर है, वो जहां चाहे जाए ना जाए, आप लोग इससे क्या है ना। क्या कह रहे हो यार? नहीं नहीं आपा, ये नहीं, टच मत कीजिए हमको, हम बता रहे हैं, हम किसी का नहीं। अरे आप बात तो सुनो आपा, बात नहीं सुनो, ऊपर दीजिए हमको आपा। आपा या अल्लाह, क्या औलाद पैदा कर ली मैंने। अरे गुलाबा के सामने ये सब बक रहा था, आपने कुछ किया क्यों नहीं? अरे हमने बहुत मना किया भाई, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, इसने आपा से रकम बटोरने के चक्कर में ये सारी बकवास की है। क्यों भी शर्म नहीं आती तुझे, घर के रास फाश करेगा अब तू? अम्मा सॉरी, वो ना पप्पो का ऐसी बातें सुन के मजा आता है, फिर वो पैसे देती है। गैरत कहीं का, यहाँ ये घर का भेदी लंका ढा रहा है और मामे भाभी से लड़ने पहुंच गई। अच्छा तभी कैसा घुन्ना बना बैठा था जब फुप्पो की कॉल आई थी। अच्छा 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 अच्छा, अब इसे छोड़ो, चले आप। नाराज होके चली गई है, कुछ सोचो। अरे क्या सोचूं भाई, उनको मनाने चलते हैं ना, अब जाकर उनके पास जलील हो हम। संजीदा जाना तो पड़ेगा, आपा को इस तरह नाराज नहीं छोड़ा जा सकता, हमें इसी घर में रहना है। मैं मार्केट से कुछ फल वगैरह ले आता हूँ, फिर दोनों चलते हैं, खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए ना आपा के पास। ले आइए, हुन बरस रहा है यहाँ तो, खिलाइए अपनी बहन को फल। अम्मा मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं? चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से, तू किसी से कम नहीं है। अरे क्या नालायक औलाद पैदा की है मैंने तो, बहुत बदतमीज है, एक एक को चुन चुन के बदला लेंगे हम, ऐसा ठीक हो जाएंगे सर। हमको मालूम है, जाने हैं, आना है, माफी उफी मांगने आओ। नहीं नहीं आपा, हम आपसे बात करने आए हैं, खुदारा इनकार मत कीजिएगा, बस हमारी बात सुन ले। आ जाओ। देखिए आपा, हम आपके लिए क्या लाए। ये सब, ये तो हमारा फ्रिज में भरा पड़ा, हम ना खा में रख दो धर। नहीं आपा, हम आपकी मोहब्बत में लाए हैं, बस वो आपके प्यार में। हमने आलत भेजे हैं ऐसी मोहब्बत पर, मुंह पे तो हमको लल्लो पच्चो करे हैं और पीठ पीछे शैतान का नानी दादी और का फुप्पी सब बना दिए हमको। नहीं 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 आपा, मत कीजिए, दबाओ, कोई बात नहीं। हम ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं आपा, आप तो हमारी बुजुर्ग हैं। और नहीं तो क्या, आप खामखा में बुल्लू की बातों में आ गई, वो तो आपसे पैसे लेने के लिए उल्टी सीधी बकवास कर दी उसने। तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा हसास गुल्लू ही है, बहुत हसास है, एक एक बात फील करके बतावे हैं। मैं ही तवज्जो न दिए है, नहीं तो पढ़ लिख जाता, अच्छा खासा ज़हीन है। एक नंबर का
बेगरे थे वो। जरूरत के वक्त वो गधे को भी अपना बाप बना लेता है, आपके साथ भी वही किया उसने। क्या कह रहे हो, हमको गधा कह रहे हैं? अरे आप तो सबसे बड़ी गधाइया है। अरे नहीं नहीं आपा, हम आपको कैसे, मैं तो सिर्फ अपने क्या नाम उसका गुल्लू की कमीनी फितरत की बात कर रही थी। नहीं तो क्या आपा, देखे ना हम इसीलिए तो आए हैं कि बात फौरन क्लियर कर दें। हमारी आपा नाराज हो हमसे, ये हमें मंजूर नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भैया हम तो अपने दरवाजा पे से किसी भिकमंगे को मांगे तांगे को भी वापस न फेरे हैं। जा माफ किया, आइंदा तो नहीं करोगे? सॉरी बोलो। सॉरी। जाओ फ्रिज में रखते जाना, दिखा दिखाओ। 5 ठो केला, 2 ठो आलू बुखारा, 3 ठो नाशपाती, 1 ठो आम। ठीक है, ये फ्रिज में रख दो, हम गिनेंगे। नहीं तुम नहीं, इलो एक एक दाना होना चाहिए। जाओ। हम आपकी इज्जत करें। हाँ गुल्लू मुझे काम था तेरे से, घर से थोड़ी चीनी ला दे, चीनी खत्म है चाय बनानी। वो अम्मा नहीं है घर पे, सारी चीजें तो आपको पता है ताले चाबी में रख के जाती है, मुझे नहीं पता कहाँ रखी है। हाँ ये तो मुझे पता है, पर गई कहाँ है? वो के पास बैठे दोनों। दोनों क्यों? मुझे क्या पता। अच्छा तुझे नहीं पता? कौन सी ऐसी बात है जो तुझे नहीं पता? अब मुझे क्या पता, आपको पता है मैं इस तरह की बातों में दिलचस्पी कहाँ लेता हूँ। अच्छा मेरा भोला बेटा है, तुझे कुछ नहीं पता? वो तेरे अंदर जो कुटनी औरत बैठी है ना, बचपन से हम जानते हैं उसे, इधर की बात उधर, उधर की इधर, फसादन कहीं की। बता। आप ऐसी गलत गलत बातें मेरे नाम से लगा रही है चिची जान, क्या बात है? देख लो गुल्लू बेर। लेकिन मेरा भाई थोड़े बार बच गया तो दोबारा कभी ना फोन का पीछा भी छोड़ दिया करो। क्या हो गया अम्मी, इतनी अच्छी फिल्म देख रही थी मैं, बिलावजह मुझसे ले लिया। तुम यहाँ बैठ के जो फिल्म देख रही ना, वहाँ तुम्हारी चची की अपनी फिल्म बन रही है। चची और फिल्म बना रही है, उनको पता भी है कि कितने करोड़ों रुपए लगते हैं उसमें? करोड़ों में जितने जीरो आते हैं ना, वो तक नहीं पता होगा आपको। अम्मी आपको पता है एक हीरोइन को कितना बजट देना पड़ता है? बेटा उसको हीरोइन का कोई मसला नहीं है, क्योंकि हीरोइन बन रही है उनकी अपनी बेटी शाजिया और हीरो बनेगा फवाद, गुले राना आपा का बेटा। शाजिया ना, देखा है आपने शाजिया को? कभी एक बार किसी एंगल से लगती है वो हीरोइन, वो सिर्फ ना पश्तो मूवी की हीरोइन लगती है। तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही है, हैं? तुम्हारी चची और चचा इस वक्त बैठे हैं आपा के पास, और मैंने जब गुल्लू से पूछा कि क्यों आ गए हुए, तो उसने तो उगल के नहीं दिया। समझ गई मैं वहीं पे, कुछ ना कुछ खिचड़ी बन रही अंदर ही अंदर। तो मैं क्या करूं अम्मी? तुम ये करो कि तुम थोड़ी एक्टिव हो जाओ, खुद ही सोचो जब फवाद वापस आएगा तो आपा उसके लिए लड़कियां देखेंगी, तो सबसे पहले नजर खानदान की लड़कियों पे जाएगी ना। और क्या गारंटी है कि वो मुझे ही पसंद करेगा? गारंटी तो जिंदगी में बेटा किसी बात की नहीं होती, पर इंसान कोशिश तो करता है ना। अब ऊपर से मैं बेवा हूँ, तुम यतीम हो, लोगों को वैसे भी हमसे ज्यादा हमदर्दी है। मुझे लगता है कि हमारा चांस ऊपर वालों से कहीं बेहतर है। अच्छा मुझे क्या करना पड़ेगा? करना तुम्हें ये होगा कि थोड़ा सा आगे पीछे फिर लो अपनी फुफो के, उनके सामने सर पे दुपट्टा ले लिया करो, थोड़ी सी चाप लूसी कर लो, और क्या करना है। तुम उनसे जितनी अपनाइयत का इजहार करोगी ना, उतने तुम्हारे चांसेस बेहतर है। अच्छा देखूंगी मैं, अभी आप जाए ना यहाँ से। मेरी बच्ची आपने फिल्म देखी है? मेरी जो फिल्म चल रही है ना उसकी मुझे बड़ी टेंशन है, फिल्म देखी है। ठीक है यार, फोन नहीं उठा रहे यार यूनुस भाई, क्या टोपियां करा रहे हैं। हाँ चल मैं करता हूँ। ओके अरे गुल्लू कितने प्यारे लग रहे हैं आज, तुम मेरा एक काम कर दो, बाहर से ना गोलगप्पे ला दो। आपके घर की नौकरी छोड़ दी है मैंने, क्योंकि आपकी अम्मा तनख्वाह नहीं देती मुझे। वैसे तो पूरे मोहल्ले में दंदनाती फिरेंगी, आज मौत आ रही है, जाके खुद लेकर आओ। तुम्हें क्या मौत आ जाएगी अगर तुम ला के दे दोगे तो?
क्या काम करना है तुम्हें? सामने वाले प्लॉट का सौदा कर रहा हूँ, निकल इधर से। कम्मा कहीं का कट्टू कहीं की। गुल्लू देखो बहुत दिनों बाद आया है वो, प्लीज ला दो ना, देखो चला जाएगा। बहुत तेज दौड़ती हो ना तुम, बहुत मेडल वेडल मिलते रहते हैं, जाओ भाग के जाओ दौड़ के ले आओ। अगर तू घर से बाहर गई तो तेरा टांग काट देंगे हम। सुन लिया ना खुद ने, अगर मैं जा सकती ना तो कभी मर के भी तुमसे ना बोलती, पर से अगर इनको पता चल गया तो और एक और नया ड्रामा खड़ा हो जाएगा। जा भाई दिमाग नहीं खराब कर। मैं खुद ही चली जाऊंगी मोटा। इधर आ, इधर तो इधर पैसे दो, मैं ले आऊंगा, निकम्मा हूँ बेगैरत नहीं हूँ। ये भी ले जाओ, ज्यादा डलवाना है इसमें। तीन ड्रेसिंग हमारी हो गई, मैं सब पाऊंगी। 1000 आयरन को बताती हूँ आपको, इटालियन भी बताती हूँ, फ्रेंच आपके सामने कर दी, और ये फिर ये भी मैं बताती हूँ, मैंने फॉर्म रख दिया सामने के, उसके बाद ये आइसक्रीम जिस तरह आप जाते हैं। आए बैठे अब मैं पानी लेकर आती हूँ। ये कहाँ हो गया भाई, भाग भाग काम कर रहे हैं, कहाँ जादू की हो? बस आपके कहने पे मैं इसे समझा रही हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ उसको, अब पराए घर जाएगी तो लोगों ने इसका सलीका ही देखना है ना। ये तुम बहुत अच्छा किए, आजकल की लड़कियों को हर चीज का ट्रेनिंग देना जरूरी है। हाय आपा, लेकिन यतीम बच्ची है, दिल बड़ा घबराता है, पता नहीं आगे लोग कैसे मिलेंगे। अब ये सब ओड़म बोड़म बात सोचने का जरूरत नहीं, सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। यतीम है, कोई लावारिस नहीं, हम बैठे हैं उनके सर पे। बस अल्लाह ताला आपको हमारे सिरों पे हमेशा सलामत रखे। आमीन। बस लड़की सबके लिए अच्छे नसीब की दुआ किया करो। आमीन आमीन। वाह आपा, जोड़ा बड़ा प्यारा पहना हुआ है। अरे छोड़ दीजिए, ब्रांडेड है, फना पसीना का है। किसका? फना पसीना का जोड़ा, जहाँ हमारे शॉपिंग करके लाए हैं, हमारे बिस्तर पर रखा है, थैला उला उठा कर लिया आओ। एक एक सूट तुम लोगों का भी है। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है आपा? और सुनाओ, इस संजीदार मकसूदवा के बारे में कुछ बताओ। मुझे तो कुछ पता नहीं, पर गुल्लू बता रहा था कि मिलने आए थे आपको दोनों। माफी तलाफी के लिए आए थे। किस बात की माफी? अभी तो लंबी बात है, छोड़ो। बात ये है कि हम पेट पीछे हमरा गीबत कर रहे हैं, वो गुल्लू है ना, हाँ? सारा पोल पट्टी खोल दिया हमारे सामने। गुल्लू वैसे अच्छा है, सब कुछ बता देते हैं। और मैं एक बात आपको बताऊं, मकसूद भाई भी ठीक है, ये जो संजीदा है ना, इसके दिमाग में ना मकारी और फरेब कूट कूट के भरी है। मैं तो कहती हूँ PhD की भी इसने इसमें है ना। बहुत ही मकार औरत है, अभी मुझसे लड़ने पहुंच गई कि मैंने मुखबरी की उसकी आपसे कि वो चरगा खा रही थी। ले मेरे फरिश्तों को नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो, क्या करती हो। क्या कहा फिर, क्या कहा तुम? बस भगा दिया झाड़ के, और क्या कहना था। उसको सड़ा ने मेरे और आग के ताल्लुक से। एक बात बता मैं। आपा, इस किस्म का जितना लेडीज लोग है ना, ये सब जहन्नुम का ईंधन बनेंगी इंशाल्लाह। ऐसा नहीं बाबू, सर पे दुपट्टा रखिए फिर बोलिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए खाना खाने के लिए। कहाँ जा रही हैं आपा? खाना खा के जाए ना, आज बड़े मजे का कीमा आलू बनाया है इसने। हानिया हानिया बेटा, पप्पो के लिए खाना लगाओ और गरम गरम फुलके। फुलका बनाती हैं? ऐसे जबरदस्त माशाल्लाह। एक ट्रे में 3-4 फुलका रखिए और बड़े से प्याले में आलू कीमा डालिए, उसमें हरा मिर्ची छिड़किए, धनिया छिड़किए, नींबू निचोड़ के हमारा कमरे में भिजवाइए जरा, हम जा रहे हैं। जी जीती रही, जा अब कमरे में लेके जा ट्रे, और थोड़ा सा जहर भी डाल दे। बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, मैं उन्हें देख के खुश हो रहा हूँ, उनके साथ खेलना शुरू करता हूँ, वो सब मेरे पास आकर छुप जाते। अरे भाई 3 यही पढ़ चुके हैं, आगे भी तो बोलिए। ताबीर, आपकी दिली मुरादें पूरी होंगी
और बहुत खुशियां और कामरानी आपकी मुकद्दर बनेगी। अम्मा, अब्बा। अबे क्या हो गया? क्यों मर, कोई मर गया क्या? क्यों चीख रहा है? मेरे साथ सौतेलों वाला सुलूक क्यों करते हैं? अरे अरे, क्या ऑल्फल बके चले जा रहे हो? मुझे दुकान करा के दो ना। लो, खोदा पार्ट निकला चूहा। भाई अपनी दुकान होगी ना, अपना कारोबार करूंगा। शकील के अब्बा ने उसे ऐसी आला दुकान करा के दी, अपना कारोबार करता खुशी खुशी। दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? लो, अब इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? मना कर दिया था ना मैंने। अरे भाई, मैं तो कहती हूँ शादी कराओ इसकी, जिम्मेदारी पड़ेगी ना सर पे, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। और ये जो रोज रोज के ये आमद होती है ना कारोबारी मंसूबों की, सब हाँ शादी कराओ इसकी। संजीदा, अरे भाई मैं कहती हूँ शादी कराओ इसकी हानिया से। आपके भाई की बेटी है, ये तीन बच्ची है, हम सर पर हाथ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ये तुम बात समझ नहीं रही हो। मुझे कुछ समझना भी नहीं है भाई। कल हम जा रहे हैं भाभी के घर अपने गुल्लू का रिश्ता हानिया के लिए मांगने। हो गया बस, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। अम्मी, अम्मी, अम्मी। ना गजब का सूट दिया है ना पप्पो ने। गजब का सूट? पप्पो का इसमें क्या कमाल है भी? महंगी दुकान पे चली जाओ, गजब के सूट मिल जाते हैं। कसम से अम्मी, आज तो जिंदगी में पहली दफा इतना प्यार आ रहा है पप्पो पे। सुन, ये ज्यादा बिछने की जरूरत नहीं है। गुलाबा जैसी चंडाल औरतों को काबू करना कोई आसान काम है? ये तो मेरा एहसान मान ऐसी लच्छेदार बातों में फंसाया कि तुझे ये जोड़ा देके चली गई। अम्मी, पप्पो हमसे बहुत प्यार करती हैं, हमारा ख्याल रखती हैं। मोहब्बत का चार डालना है हमने, हमने इस मोहब्बत को बेटा कैश कराना है, आइए समझ। हाँ अम्मी, इतना खुदगर्ज भी नहीं होना चाहिए इंसान को। किसको खुदगर्ज कहे हैं? ये जो मैं इतने सालों से यहाँ गुजारा कर रही हूँ ना, ये मुझे ही पता है। ज्यादा आगे की फरिश्ता कहीं से इतना खुद गर्द ना बने। पप्पो से मोहब्बत हो गई आज से। अम्मा, तुम क्या सोच कर ये करने जा रही हो? अरे मैं बड़ी आगे की सोच रही हूँ, देखती जा। अम्मा इतना आगे का मत सोचो, गुल्लू का सोचो। बेचारा मासूम गुल्लू और वो चालाक मक्कार हानिया बेच खाएगी हमारे गुल्लू को। ऐसे कैसे बेच खाएगी, हम मर गए हैं। अम्मा तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है ये तो बताओ। अब पूछा है तूने सही सवाल। सुन, अगर गुल्लू की शादी हो जाती है हानिया से तो तुम्हारी और फवाद की शादी का रास्ता साफ हो जाता है। आपा को अगर हानिया के अलावा अपने फवाद के लिए कोई लड़की पसंद आ सकती है तो वो है तू। कैसा? लेकिन अम्मा ये इतना आसान नहीं है। हानिया फवाद को पसंद करती है, मुझे बता चुकी है। अरे रहने दे, पसंद तो हम भी इनको करते थे भाई। शादी किससे हुई? तुम्हारे अब्बा से, जिन्हें बोल बच्चन के सिवा कुछ आता ही नहीं है। देख लो अम्मा, जो भी करना सोच समझ कर करना। जाम की सोच खत्म होती है ना, वहां से मेरी सोच शुरू होती है। भाई नहीं ना, आप समझ क्यों नहीं रहे? ऐसे कुछ सोते लोग की तरह ढोल डालते ड्रैगन के आगे। भाई समझाया ना अम्मा को। अरे गुल्लू समझा कर, तेरी शादी तो कहीं पर भी हो जाएगी, लड़कों का क्या है? तेरी बहन की शादी फवाद से होना बहुत जरूरी है। भाई ये गलत है यार, ये गलत है। आप लोग उसी के सोच जा रहे हैं, मेरा तो सोचते भी नहीं है। भाई मकसूद ये क्या हो रहा है सब? गुल्लू जिद कर रहा है कि वह हानिया से शादी नहीं करेगा। हैं? नहीं करेगा? हाँ भाई। तुम बच्चा नहीं है अब तू, ये एड़ियां रगड़ रगड़ के जिद करना बंद कर दे। अरे मैंने कुछ सोच समझ कर किया होगा ना ये सब प्लान। भरोसा नहीं अपनी माँ पे? हट भाई, हट। देख, तेरी शादी हो जाएगी हानिया से, हानिया शाजिया के रास्ते से आउट। शाजिया की शादी हो जाएगी फवाद से, तू बन जाएगा फवाद का साला। अब फवाद अपने होनहार साले के लिए क्या इतना भी नहीं करेगा कि उसे लंदन बुला के उसे नौकरी करवा दे?
फिर हानिया तेरी जिंदगी से आउट, तू जाएगा लंदन, वहां जाके जो जी में आए करना, छोड़ जाना उस लोमड़ी को यहीं। हैं? लेकिन अम्मा मुझे वो लड़की जहर लगती है, सारी जिंदगी मजाक छोड़ी उड़वाने, एक एक चीज जानती है मेरे बारे में, कैसे मैं बार बार फेल हुआ, कैसे मैं 12 नंबर गली के लड़कों से कूटा हूँ, मकबूल साहब की गाड़ी के टायर चुरा के बेचे, उसके भी पैसे खा गए, मामा सब जानती थी अम्मा। क्या मुसीबत मकसूद भाई, आप कहाँ हैं अम्मा? और ये चलिए तो पेट में क्यों दर्द होने लगता है? अरे भाभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम तो आपसे मिलने आ रहे थे भाभी। मेरे यहाँ इतना तैयार होके क्यों? क्यों भाभी, आपके पास नहीं आ सकते हम? आप हमारी बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं हमारी। मकसूद अगर मैं तुम्हारी भी बुजुर्ग हूँ तो फिर तो अल्लाह खैर ही करे। वो अम्मी मुझे 100 रुपए चाहिए। बेटा मेरे सराहने पड़े हुए, ले लो। बेटा तुम कहीं जा रही हो? वो मैं डांस के लिए जा रही हूँ। सुनो बेटा, शरीफ घर की लड़कियाँ डांस नहीं करती। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप आजकल? अरे भाई बच्ची अकेली रहती है पूरा दिन घर में, दिल बहलाने को डांस वांस कर लेती है, क्या बुराई है? मगर संजीदा, मगर वगैरह कुछ नहीं कह रही हूँ ना भाई। वो क्या कहते हैं, रक्स आजा की शायरी है, कायनात महवे रक्स है। मुझे कहते हैं बहन, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आज हमारी इतनी हमायत क्यों कर रही है। हाँ, हानिया की साइड लेने की कोई खास वजह? अरे भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरे लिए जैसे शाजिया है वैसे माशाल्लाह हमारी हानिया है, और मैं तो हूँ ही बहुत आज़ाद ख्याल औरत, आपको तो पता ही है वो मैं उनकी कितनी फ़ैन हूँ, ना ही सिद्दीकी की बहुत फ़ैन हूँ। अच्छा मैं जाऊँ फिर? नहीं जी, ये आपके लिए। क्या हो गया, किस खुशी में मिठाई है? भाभी वो असल में गुल्लू आप तो जानती हैं, रूहानी इलाज चल रहा है उसका। दिमाग का? नहीं भाभी वो कह रहे थे बंदिश की है किसी ने, अब दम करके पानी पिलाती हूँ रोज़ाना, और वो वजीफ़ा वगैरह भी पढ़ता है बहुत बाकायदगी से, बड़ा फाका है माशाल्लाह, खुद ही पढ़ने लिखने की बातें करने लगा है। अब परसों कह रहा था ना नौकरी करूँगा, आपका सहारा बनूँगा, तो बस सब ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में, इंशाल्लाह नौकरी करेगा, कोई कारोबार करवा देंगे, अपना खाएगा कमाएगा। अच्छा बहन, हम तो दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह करे तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाए। हाँ जी भाभी, मैं तो मकसूद से ये भी कह रही थी कि बच्चों पे वो जिम्मेदारी वगैरह पड़ती है तो ठीक हो जाते हैं सब। अमीनी को देखिए ना कैसे थे शादी से पहले, बिल्कुल लाओ वाली, शादी के बाद कितने जिम्मेदार हो गए। हाँ बहुत जिम्मेदार हो गए। बस तो हमने सोचा गुल्लू की भी शादी कर दे। ओ भाई दिमाग तो नहीं तुम्हारा खराब हो गया? कौन देगा अपनी बेटी इसने खट्टू को, पहले उसे को कुछ पढ़े, कोई नौकरी करे, फिर देखना। अच्छा भाई मुझसे क्यों मिलना था? हाँ भाभी वो हम अपने गुल्लू के लिए आपकी हानिया का हाथ मांगने आ रहे थे। क्या कहा? हानिया का हाथ मांगने आ रहे थे भाभी। दिमाग सही है तुम्हारा संजीदा? उसने खट्टू से मैं शादी करूंगी अपनी बेटी की? तुम्हारी जरूरत भी कैसे हुई? भाभी हम उसे बहुत खुश रखेंगे और आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, खुश रखोगे अपनी बेटी की शादी करा सकते हो ऐसे लड़के से? ये रही तुम्हारी मिठाई और ये रहा तुम्हारा रिश्ता, आइंदा मेरे से कलाम भी मत करना। Thank you.
देख लिया मकसूद, देख लिया क्या औकात है हमारी। अरे भाई गलती हमारी भी है संजीदा, हमें यूं डायरेक्ट शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी, पहले मालूम कर लेना चाहिए था कि वो क्या चाहती हैं। बात ये नहीं है मकसूद, बात ये है कि कमजर्फ के साथ नेकी करो तो भैया ऐसे ही संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। भाई हमें क्या पता उन्होंने अपनी बेटी के बारे में क्या सोच रखा है। क्या सोच रखा है? नहीं आप मुझे बताएं क्या सोच रखा है। भाई मैं क्या बताऊं, आखिर वो भी इस घर की बेटी है। सदके जाऊं मैं इस मोहब्बत के, इतना जरील होके भी खत्म नहीं हुई। खुश हो जा भाई, तू मना कर दिया तेरी चची और वो हानिया ने। है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हो गया ये तो। अरे तो ना बस हर वक्त अपनी बहन की खुशियों में पानी फेरने में तुला रहा कर। इस टाइम जरा जा रहा हूं सुनार के पास। हैं? सुनार के पास वाली गली में जो दोस्त है उससे मिलने जा रहा हूं। सुनार के पास मेरा क्या काम है। अम्मी मेरा तो दिमाग सुन हो गया, ये सोच सोच कर कि उस गुल्ली के बच्चे का रिश्ता कैसे भेजा उन्होंने। बेटा इस वक्त दिमाग सुन करने का नहीं, दिमाग चलाने का वक्त है। क्या मतलब? यही वक्त है संजीदा को गंदा करने का तेरी फुफ्फो के आगे। चल मेरे साथ। अम्मी एक की चार लगा कर बताइएगा। मेरी चंदा तुम देखो तो सही। अरे आपा मैं आपकी तरफ ही आ रही थी। क्या हो गया आपा? मैं बड़ी परेशान हूँ। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? अभी ना मकसूद भाई और संजीदा आए थे गुल्लू का रिश्ता लेके हानिया के लिए। गुल्लू का? वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, कमावे भी नहीं है, उनका हिम्मत कैसे हुआ? आपा मैंने यही बात जब उससे कही ना वो तो उल्टा भड़क गई। ऐसे ऐसे कोसने दिए मुझे, इतनी बददुआएं दी, इतना सुनाया कि मैं आपको क्या बताऊं। कितना समझाया है संजीदा को, बाबू बच्चा लोग पे तवज्जो दो, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। हमको देखो फवाद को अपना पेट काट काट के लंदन भिजवा है ना, कितना आलिम फाजिल बन गया है माशाल्लाह। तुम परेशान मत हो, हम खबर लेवेंगे इनका। आपा मैंने यही उसे कहा था कि इतनी बदतमीजी जो कर रही हो ना मैं गुल आपा से जाके शिकायत लगाऊंगी। बोली क्या बोली हो? आपके मुतल्लिक भी इतनी गंदी गंदी बातें की कि तौबा तौबा मैं जुबान पे ला भी नहीं सकती। वो मकसूद चुप कराया उसको, क्या करे था वो वहाँ? आपको पता नहीं मकसूद भाई का, वो बेचारे कुछ बोल सकते हैं उस डाइन के आगे। ये बात तो सही है तुम्हारा। बताऊं क्या कहा था? अरे हमको नहीं सुननी, हम जाके अभी खबर लेते हैं उसकी। ए! ए संजीदा आ रहा हम। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। अब जाके हिसाब लो। तुम क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? चलो यहां से निकलो, दफा हो। और ये तुमने क्या हरकत की है? मैंने क्या हरकत की है? वो तो मेरे घर वाले उठा के रिश्ता लेकर आ गए तुम्हारे लिए। अन्ना कहा मैं कहा तुम चुप। दादा बकवास मत करो, और अभी तो तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा, बस देखते जाओ। भाई मेरे घर वाले तो बिल्कुल ही खिसक गए हैं, तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है, तुमसे करूंगा मैं शादी। हाँ तो जैसे मैं तो मर रही हूँ ना तुमसे शादी करने के लिए। देखो मेरा दिमाग खराब नहीं करो, अपनी औकात में रहो। वैसे ही तुम्हारे घर वाले बहुत तमाशा करके जा चुके हैं। हाँ तो मेरे घर वाले तमाशा करके गए ना, मैंने थोड़ी क्या है, मुझसे लड़ी चली जा रही हो। कोई कमी वमी नहीं है मुझे लड़कियों के लिए। छबला लड़का हूँ ना, सिगरेट पीता हूँ ना, कोई गलत काम करता हूँ, पैसे भी बना ही लेता हूँ ठीक ठाक। क्या कमा लेते हो तुम? क्या काम करते क्या हो तुम? चोर कहीं के? वैसे तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? बस आ जाते हैं, टैलेंट है मेरा। चलो बहुत दिखा लिया टैलेंट, बहुत दिखा लिया, चलो अब चलते बने यहाँ से। चलो क्या शोर मचाया है? और तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? ये तो बताओ मुझे, तुम लोग समझते क्या हो कि मुझे पागल कुत्ते ने काटा हुआ है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे दूंगी? तुम्हारे जैसे ने गट्टू को तुम्हारी माँ की जुर्रत भी कैसे? चची जान मेरी बात तो सुने। क्या बात सुनो? मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे, अम्मा ने गलत किया। माफी से अब क्या होता है? अम्मा तो
तुम्हारी हमेशा गलत करती है भाई। अम्मा आप इसको मार के निकालिए या मैं इसको गुमशुदा। मैं की कसम मैंने नहीं कहा था अम्मा को, अम्मा ने खुद रिश्ता भेजा। मैंने तो उनको बोला भी था कि मुझे तो मुल्क से बाहर शादी करनी है, लेकिन वो सुनती क्या, कितनी जिद्दी, आपको पता है जो ठान लेना एक बार वही करती है। अच्छा वो जिद्दी है तो मुझे क्या फालज हो गया है, क्या मैं टुंडी हो गई हूं? क्या मतलब है इस बात का, तुम्हारी माँ है ही बहुत चलाक तो है। बात तो सुन ले, एक मिनट आप उसकी बात सुनकर आ जाए, मुझे आपको बहुत अंदर की बात बतानी। अम्मी आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात, चुप करो। अंदर की बात? हाँ अंदर की बात है, आप सुनकर आए ना आप। अंदर की बात है, अंदर की बात है, अब जाना मत। नहीं जा रहा। हाँ भाई जरा मुझे बताओ अंदर की बात। चची जान आपको तो पता है कि अम्मा कितनी ज्यादा खतरनाक प्लानिंग करती हैं। पता है? तो उनके पास तो बहुत ही सॉलिड वजह है। क्या? वो ना अम्मा ये चाहती हैं कि शाजिया की जो शादी है ना वो फवाद भाई से हो जाए। हाँ। इसीलिए जो है ना वो हानिया को अपने रस्ते से हटाना चाहती हैं। हालांकि मैंने उनसे कहा भी कि हानिया तो मेरी बिल्कुल छोटी बहन जैसी है। तू मेरे बच्चों जैसा मेरा बेटा है, तुझे तो मैं तेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। और बताना क्या कहती है? लेकिन आगे से कहने लगी कि क्या हो गया, शादी से पहले तो सब भाई बहन होते हैं। और क्या बता रही है? और तो पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें करती रहती हैं, जादू टोने करती हैं। जादू? मुझे तो शुरू से पता था वो जादू करती है। मुझे तो लगता है मेरे पे भी जादू करती है, और तेरे चाचा को भी लगता है उसका ही जादू लेके चला गया। और क्या कह रही है? वजीफे, फुप्पू के लिए वजीफे कि फुप्पू मर जाए। इतनी चलाक है, जैसी जरूरत पड़ती है ना पप्पू को सर पे बैठा लेती है। मुझे क्या बता रहा है, मैं तो जब से ब्याह के इस घर में आई हूँ दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी जीरण कर दी, हालांकि मैं उन्हें अपनी सगी बहनों जैसा प्यार करती हूँ। और बताना और क्या बात है अंदर की? और एक और खतरनाक बात कहती है, आप जैसी अच्छी खातून, आप जैसी पारसा खातून के लिए कहती है लग रहा है आप भी मर जाए। हाँ ये कहती है, जादू कर रही है ना मेरे। हाय मुझे पता, मुझे मुझे सांस नहीं आ रहा। हानिया हानिया हुआ, गुस्से में है क्या? सदरुद्दीन मरहूम का लड़की का साथ आप लोगों ने जो किया है, ऐसा मिसाल तो इंसानी तारीख में नहीं मिला है। देखा ना मकसूद, मैं ना कहती थी भाभी लगाएंगी जरूर कोई ना कोई तीली। अरे आपा, हमने तो इंसानियत की खातिर हमदर्दी में आकर किया था ये फैसला कि चलो भाभी के सर से बोझ उतरता है, मगर भाई ये तो वही वाली बात है, 14वीं सदी, करो नेकी हो बदी। हाँ हम तो जैसे जाने ना है कि तुम कितनी बदफितरत हो। इतना इंसानी हमदर्दी का जरूरत नहीं है, अगर है आपके दिल में ना तो आप एधी को एम्बुलेंस चलाइए, हमसे ये ड्रामाबाजी ना दिखाइए हमारे सामने। बस आपस में ऐसी क्या बुरी बात है, अब लड़कियों के 10 जगह से रिश्ते आते हैं भाई, घर वालों को नहीं समझ में आया इनकार करते हैं, अब लड़ाई की क्या बात है? जब आयफा ने रिश्ते से मना किया तो तुमने उसको गाली दी, और जब उसने कहा कि जाके हम आपा से शिकायत करेंगे तो तुम हमको गाली दिया। हाँ ये कहा उन्होंने आपसे? आपा अल्लाह पाक की कसम ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। कोई बात ही नहीं हुई आपा, तुम जैसा मुनाफिक लोगों से कोई बाइद भी नहीं है। आपा मैं तो कहती हूँ आप अभी के अभी चलिए और भाभी के साथ इस बात को क्लियर कीजिए। हैं? हाँ
अभी चलते हैं। अभी चलिए, पूछिए क्या कहा हमें, क्या कुछ होने नहीं बचा। कान करती है आपके मेरे खिलाफ, पूछिए क्या कहा। अब मुंह का दूध और पानी का पानी। मैं तो कहती अबा मैं आपके पास ही आ रही थी। आरता क्या हुआ अबा? संजीदा तो कह रही कि इस किस्सा से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाय अल्लाह, और आपने इसकी बात मान भी ली है? बड़ी बोली हैं आपा। चोर से पूछेंगे कि उसने चोरी की है तो वो यही कहेगा ना कि मैंने नहीं की। चोर किसको कहा? तुझे। अल्लाह से डरो बीबी, ऊपर जाओगी ना तो अल्लाह पूछेगा। हाय हाय, अल्लाह सिर्फ मुझसे ही पूछेगा, तुझसे ट्रंप आके पूछेगा। लेकिन भाभी आपा की तो कोई बात नहीं हुई थी। चाचा आप तो रहने ही दे, जब ये पप्पो के बारे में बुराई कर रही थी चाचा भी हमें यहाँ मिला रहे थे। हाँ मैं जानती नहीं हूँ। ये है। हाय अल्लाह आपा, कैसी फ्रॉड ने दोनों माँ बेटियाँ, कैसी सफाकी से झूठ बोल रही है। तौबा 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 संजीदा, तुझे शर्म भी ना आई कि मेरी मासूम बेटी का नाम लेती है, उसे फ्रॉडन कहती है। ठीक है, अल्लाह सब देख रहे ना, देख रहे ना आपा, आज फैसला हो जाएगा। मैं तो झूठ बोल सकती हूँ ना, लेकिन इसके घर का बंदा तो झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है आपा, ये देख ले फिर। वजीफे पप्पू के लिए, वजीफे के पप्पू मर जाए। मयो अच्छा तो ये अजाइम थे, हमारा लड़के को फंसाया जा रहा था। अब्बा मैंने तो आपको बताया था बहुत मुफाद परस्त औरत है ये। अरे गुल्लू खुदाई नहीं बोल सके है, वो तो मासूम बच्चा है, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ पानी में। अब्बा ऐसा करते कमरे में चले, आराम से बैठ के बात करते। एक हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांधो, अंडा बच्चा लो और यहाँ से गोल हो। ये क्या कह रही हैं आपा, हमारा तो खून का रिश्ता है आपसे। कोई खून मुन का रिश्ता नहीं है समझे, और खास तौर से ये जो आपका संजीदा बेगम है ना, अरे हम तो थूकना पसंद नहीं करते। नहीं नहीं, आप मुझ पे थूक दीजिए आपा, आप थूकिए थूकिए। हमारे बला से अरे गटर का ढक्कन पे जाओ, झुग्गी डालो, कहीं भी जाओ, हमारा बला से बच जाओ। आपा अरे आपा चल बच्ची, फवाद आने वाला, हम तो तैयारी कर। गुल्लू का बच्चा, गुल्ला बेहया बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आती उनके घर बैठकर हमारी बुराइयां करता है? तू बुराइयां करता है मनुस, तुझे खिलाफ लगाकर इतना मोटा सांड बना दिया और तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अरे रो मत, आ जा तू भी मार ले दो। अम्मी आप कमजोर कमजोर क्यों लग रही हैं? तो काहे ना लगे कमजोर कमजोर, सब नागिन लोग हम लोगों के सर पे बैठे हैं, कमजोर ना लगे क्या? आइए चलिए। अरे 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 आ गया मेरा बेटा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम उमानी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, हर नमाज में तुम्हारी दुआ करती हूँ मैं। पढ़े तो कभी देखा नहीं इनको। अरे अम्मी तुम कैसी हो हानिया? मैं तो बिल्कुल ठीक। अब मेरा मतलब कि इतने दिनों बाद आपको देखा तो इतना अच्छा लग रहा है फवाद भाई। ना पानी का पूछो, अच्छा लग रहा है इनको। थैंक यू सो मच। अब वहाँ लोड शेडिंग होती है? अरे मुमानी सब कुछ यहाँ पूछ लेंगी क्या? अंदर चलिए आपको सब बताता हूँ। जाइए खाने का बंदोबस्त कीजिए। हाँ जी हाँ जी, चलो बैठ खाना लगा। हाँ जी इतना क्यों ले रहे हैं, खुल के लीजिए। अरे अच्छा अच्छा अम्मी ले लेता हूँ, लेकिन खाना बहुत मजे का है। ये सब इन्होंने बनाया है, मरहूम सदरू की दुल्हन आरफा ने। अरे अम्मी आपको तो पता है हम तो सब कुछ ही खा लेते हैं, आपने मुमानी को ऐसे ही तकलीफ दी। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, मेरा बेटा घर आया है और वैसे भी मैंने कुछ नहीं बनाया, सारा कुछ तो हानिया ने तुम्हारे लिए अपने हाथ से बनाया है। इतनी मोहब्बत से कह रही थी, हमसे मना ना हो सका, हमने कहा बना लो।
अरे वाह भाई, तुम तो बहुत जबरदस्त खाना बना लेती हो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। सुनो, अब क्या आए हो ना, शादी वादी का सोचो। अरे अम्मी, अभी तो हम आए हैं, आपने शादी की बातें शुरू कर दी। मैं मीठा लेके आती हूँ। हम ऐसे वैसे नहीं जाने देंगे आपको। अम्मी ठीक है, लेकिन अभी ये बातें मत करें। वो मकसूदवा संजीदा है ना, उनके पास जाओ तो उनको मुंह लगाने का जरूरत नहीं है ज्यादा। क्यों, फिर कुछ हुआ क्या? बहुत कुछ हुआ है बाबू, बताएंगे बाद में बताएंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ अभी, मम्मी ये बाद में खाते हैं। अच्छा आरफा जी। आपा, वैसे आपा बड़ी अच्छी तरबियत की है आपने अपने बेटे की, बहुत ही अच्छा लड़का है। हम सोच रहे थे कि फवाद और हानिया की बात पक्की कर दें मैं, तो तुमको एतराज तो नहीं होगा? सच्ची आपा? आपा, हे अल्लाह, आपा आपा, सच्ची आपा? अगर फवाद जैसा लड़का मेरी हानिया को मिल जाएगा तो उसकी तो जिंदगी बन जाएगी। आपा, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपा आपा, मुंह मीठा करें, मुंह मीठा करें आपा। ये ले, ये ले, ये लो। बा हो गया, मुंह मीठा करो, तुम भी खाओ, जाओ शादी का तैयारी करो। हानिया, अरे आराम तो होता रहेगा, मामू से जरूर मिलना था। बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम संजीदा। अरे फवाद, मामू जान, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कब आए? मैं अब थोड़ी देर पहले। अभी अभी आया, और देख लें, सबसे पहले आप दोनों को मिलने आया है। हम तो खैर नीचे ही मिल लिए थे, हम तो इस्तकबाल के लिए खड़े थे ना, खाना भी बनाया इसके लिए, हानिया ने अपने हाथ से पकाया है। बताओ ना जरा कैसा था? बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छा। दरअसल बेटा, हमसे नाराज हैं आप, इसलिए हम नहीं आ सके। अरे मामू कोई बात नहीं, हम आ गए ना आपसे मिलने। चलो बैठो, फिर चाय बनाओ। नहीं नहीं, चाय मेरे साथ पिएगा ना, मीठा भी खाना है, बताया था ना आपको बेटा। जी जी। हाँ मामू जान, कल आराम से आते हैं हम, तो फिर बैठ के बातें करेंगे। अच्छा बेटा, ऐसा करो ना, कल दोपहर का खाना तो हमारे साथ खा लो। खाना, हाँ हाँ हाँ, जरूर आना, ये बहुत अच्छा है। हम भी आ जाएंगे। चलो डन हो गया, फिर मैं ऐसा करूँगा, अम्मी जान को भी साथ ही लेकर आता हूँ, ताकि जो भी इख्तलाफात हैं दूर हो जाएं। मुश्किल है बेटा, बड़ा जहर उगला है भाई, लोगों ने हमारे खिलाफ बड़ा जहर उगला है। अच्छा मैं चलता हूँ, ये मामी आपके लिए। अपने मुंह से फवाद के लिए हानिया का हाथ मांग लिया है। चची, आप मुबारकबाद नहीं देंगी मुझे? अरे चची को तो सकता हो गया, मिठाई भेजते शायद फिर मान जाए। मकसूद, मकसूद सुन रहे? अच्छा तो ये बात थी। बाबू, हम काहे उन लोगों से मिले जो हमने लड़के पे नजर रखे हुए हैं? अम्मी, उनके कहने से शादी थोड़ी ना हो गई। तो इस बात से उनका नियत तो साफ आ गया ना समझ में। अरे सब लोग आस्तीन कसदा है। अम्मी, हम आज का मामू को भूल के आए थे। तो मना कर दो, ऐसे भी हम एक हफ्ता का अल्टीमेटम दिए हैं उनको घर खाली करने के लिए। अम्मी, मामू हैं हमारे, ये तो बहुत गलत बात है। कोई गलत बात नहीं है, समझे? और ऐसे भी उनके जाने से पहले पहले हम आपका शादी उदी कर देंगे, सुन लीजिए कान खोल के। शादी? हाँ, हमने लड़की देख लिया है। कौन सी लड़की पसंद कर ली अम्मी? ओ मरहूम सदरुद्दीन आरफा का लड़की। अरे हानिया खाना नहीं खा रहा था घप घप करके। अम्मी ये आप क्या कह रही हैं, हमसे पूछे बगैर ये फैसला आप कैसे कर सकती हैं? अरे हम माँ हैं कि तुम? अरे अम्मी, आपका और संजीदा मामी का झगड़ा है,
आप प्लीज ना इस खानदानी पॉलिटिक्स से हमें दूर रखें। कान खोल के सुन लो, इस घर में हमारा हुक्म चले था और इंशाल्लाह आइंदा भी हमारा ही हुक्म चलेगा। अरे हम ये शादी नहीं कर सकते। कौन नहीं शादी करेंगे आप? हाँ आपके अब्बा भी करेंगे शादी। बाबू इस संजीदा बहुत खराब औरत है, बहुत चलतर। ये अपनी लड़की के वास्ते तुमको पोटने के लिए जादू टोना करवा रही है। हमने सोचा ये सब करने से पहले हम शादी कर देंगे। हाँ अम्मी आप समझ क्यों नहीं रहे? इसलिए कि बाबू हम तो जाहिल हैं, हम विलायत थोड़ी गए थे पढ़ने के लिए, पेट काट काट के औलाद को इतना बड़ा कर दिया। और हम बता रहे हैं आपको, 2 दिन के बाद आपका निकाह है, तैयार हो जाइएगा। हमको तो कोई शौक नहीं है आपका शादी वादी करने का। चचीजान, 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 चची, क्या हो गया? इतना शोर क्यों पूरे घर पे मचाया हुआ है? आपने ठीक नहीं किया, मैं बता रहा हूँ, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। क्या कर दिया मैंने? आपने मेरी वीडियो बना के फुप्पो को दिखा दी, इतनी जिल्लत हुई है मेरी, इतनी जिल्लत हुई है। बहुत अच्छा हुआ तेरे साथ, तू है ही इस काबिल के तेरी जिल्लतों हैं। मुझे बता तेरी माँ की हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरी बेटी के लिए तुझ जैसे का रिश्ता भेजे हैं? अच्छा पहले तो कहते थे जब तू बड़ा हो जाएगा तो तेरी शादी हानिया से करूंगी, बड़ी मछली देख के फौरन मुकर गई। तो मुझे पता था ये गहना बनेगा बड़ा होके। तू है बेकार, ना पढ़ा ना लिखा, तू तो बीवी की कमाई बैठ के खाएगा, तेरे से कर दू शादी। निकल यहाँ से। हाँ निकल यहाँ से। अम्मी तुम फिर यहाँ खड़े हुए हो? अम्मी मनुष्य यहाँ क्यों आए? दफा यहाँ से। पता नहीं, निकलो ना यहाँ से। अम्मी मैं ये वाली चूड़ियां पहन लूं? हाँ मेरी जान बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। ठीक नहीं किया आपने। अच्छा अच्छा चल 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 बता रहा हूँ, ठीक नहीं किया। हाथ दे, हाथ दे। ठीक नहीं किया, बहुत अच्छा। हेलो कौन है, किससे मिलना है आपको? आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ नहीं है कौन? आई हैव टू मीट फवाद। अच्छा हम मिलवाते हैं, पूछ के आते हैं। ये सब नंगा नंगा नजर, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। जनाजा निकल रहा है, तुम्हें सेल्फी की पड़ी है। अरे दफा कर, जो होना था वो तो हो गया, अच्छा तो सेल्फी की चाहते। हेलो अरे मायो, ए ए मामा इनको कह दीजिएगा हम खुद कहते हैं। फवाद कमरा दरवाजा ताला। ए
बाबू आपको तो अंग्रेजी आवे है ना, बोलिए कि फवाद का कमरे में ताला लगा हुआ है। डोर लॉक लॉक। इन सब का गंदा गंदा बात है, छोड़ दो इसको, मुंह से बोले अंग्रेजी में। हाँ Who you? Who you? 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 Who? You? You? Her. I don't understand. Hey, Babu, you call. But Chaguni was separate. Babu, tell me, na? Yeah, yeah. Who? आपके कोई जानने वाली हैं? Office में काम करती हैं? पड़ोसन हैं? पड़ोसन की ननद हैं? बोलिए बाबू, आपके दोस्त हैं? अरे नहीं, हमारी दोस्त नहीं है, हमारी बीवी है ये। और हम लंदन में इनसे शादी कर चुके हैं। मैया! नहीं आपा। ये बाबू क्या कह रहे थे? देखिए ना जरा अंग्रेजी में पूछिए कि हमारा बाबू तो बस मजाकी है। बाबू क्या कह रहे हैं? पूछिए पूछिए। हाँ बाबू पूछिए। You हाँ wife? I'm his wife. He's my husband. फवाद ये तूने क्या किया है? आपा। फवाद लेट्स गो। ये वंस अपॉन अ टाइम हमारे सन है भाई, बात कर लीजिए आप हमारे। ये क्या है? आपा 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 होश करे, होश करे आपा, होश करे। से क्यों उड़ा के आशिक आवारा है मन चला रखा था जो निगाहों से बचा के सीमा, मैं मजबूर हूँ सीमा। मेरे होने वाले पोते की माँ कहाँ है? वो जूते किसके? ये मेरे हैं। सिंगल गवारा है दिल मेरा,